वेलकम टू माय टेक्निकल क्लासेस। तो आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिल्डिंग ड्राइंग का कुछ फुल फॉर्म नेम। तो हम लोग चलते हैं इस डायरेक्ट टॉपिक पे। तो हम लोग देखिए आपका यहाँ आप देखिए जिसे हेडिंग में दे दिए आपका फुल फॉर्म ऑफ टर्म यूज इन बिल्डिंग ड्राइंग। तो आप लोग बिल्डिंग जब ड्राइंग कीजिएगा तो उसमें आप कुछ फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, वहाँ पे उसका फुल फॉर्म तो नहीं लिखेगा, उसका क्या करेंगे कुछ सिंबल लिखेंगे उसका, जैसे कि रिंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट देना है तो उसका आपका डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म रखना है RCC, जैसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट कर देना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्म लिखेंगे PCC। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ फुल फॉर्म इसका जानते हैं। देखिए आपका PCC का जो हम लोग का फुल फॉर्म वहाँ देने वाले हैं वो देने वाले हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, जो देखिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट का देने वाले हैं PCC में, जैसे यहाँ पर RCC का क्या होता है फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे रिंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। देखिए हम लोग बोलने का तरीका को आप जैसे कि अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जैसे रिंफोर्स जो है यहाँ है ना रिंफोर्स, तो आप यहाँ बोल सकते हैं रिंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये ना कि जैसे हम यहाँ पर लिखे रहते हैं कुछ, हम बोलते हैं कुछ, तो आप अपने भाषा में आप लोग कैसे बोल सकते हैं वो आप प्रीफर कीजिएगा, ठीक है। इसे हम इसको रिंफोर्समेंट पढ़ते हैं तो कहीं कहीं रिंफोर्समेंट भी लिखा हुआ रहेगा आपको, तो आपको डरना नहीं है। तो अब अगला चलते हैं हम लोग, आपका क्या है DPC, तो क्या है डैम प्रूफ कोर्स। अगला है BBM, तो बर्न ब्रिक मेसनरी। CM का क्या होता है आपका सीमेंट मोटर। FSI क्या होता है आपका फ्लोर स्पेस इंडेक्स। FAI फ्लोर एरिया रेशियो। GT गली ट्रैप। नेक्स्ट चलते हैं अब GL का क्या होता है फुल फॉर्म ग्राउंड लेवल। PL का क्या होता है प्लेंथ लेवल। D का डोर। B का वेंटिलेटर। हम तो ये जान गए कि आपका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है आप वो पहले समझ लीजिए, ये क्या है क्या यूज कीजिएगा वहाँ। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं। देखिए आपका PCC का तो आप हमको हम आपको पहले बता दिए हैं, RCC को भी आप पहले बता दिए हैं। जैसे देखिए आप PCC क्या होता है आपका सीमेंट बालो और छर्रे, जिसको आप लोग टेक्निकल में बोलते हैं एग्रीगेट, और बालो को हम लोग टेक्निकल में बोलते हैं सैंड, समझ गए। सीमेंट को तो सीमेंट ही बोलते हैं, तो जब उसका मिक्सिंग करिएगा तो आपको एक कंक्रीट बनेगा। कंक्रीट का जब हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं PCC बोलते हैं। अगर वही कंक्रीटिंग में हम लोग कोई सरिया को डालते हैं तो वो क्या हो जाता है RCC, जैसे कि ये है RCC। तो ये दो टर्म को हम लोग जान गए। DPC क्या होता है आप देखिएगा कि जब आप कुर्सी तक आइएगा तो कुर्सी के बाद जो है आप एक सीमेंट कंक्रीट का एक लेयर डालते हैं ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स। तो वो किस लिए दिया जाता है जो कि आपका जो नीचे जो नमी आता है उससे वो ना ऊपर जा सके। जैसे कि आपका देख लीजिए आप, ये देखिए आपका वॉल है, ये जैसे यहाँ पर देखिए आपका, ये तो आपका फाउंडेशन है ना, तो फाउंडेशन है तो यहाँ से आपका यहाँ तक तो ग्राउंड लेवल आ गया। ग्राउंड लेवल से जस्ट जो है ऊपर जो है हम लोग यहाँ कुर्सी डालते हैं यहाँ से देख लीजिए, ये कुर्सी डालते हैं। तो कुर्सी डालने का देखिए ये तो अभी जमीन है, तो क्या होगा कि यहाँ से इसके थ्रू आपका यहाँ से मॉइस्चर जाना चालू हो जाएगा। मॉइस्चर क्या होता है नमी होता है, जो कि मॉइस्चर यहाँ तक तो ठीक है लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए आपके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर ऊपर तक चला जाएगा तो क्या होगा आपका दीवार को खराब कर देगा। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं इस पर एक कंक्रीटिंग का लेयर डालते हैं, ये यहाँ पे देख लीजिए ये कंक्रीटिंग का एक लेयर डालते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हम डैम प्रूफ कोर्स। तो हम लोग ये जान गए, और ये तो आपका देखिए फाउंडेशन है, ये हम अभी इसका जब पिक्चर बनाएंगे तब आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। BBM क्या होता है आपका बर्न ब्रिक मेसनरी क्या होता है कि आपका जो पका हुआ ईटा जो हम लोग यूज करते हैं ये दीवार में, तो उसको हम लोग क्या होता है बर्न ब्रिक मेसनरी। तो देखिए आपका बर्न ब्रिक मेसनरी जो होता है जहां पर अभी आपका देखिए मेसनरी आपका जो वर्क आता है मेसनरी, जहां पर भी
अरे कि ब्रिक का जुड़ाई हो रहा हो, उस वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक मेसनरी वर्क, ठीक है, ब्रिक मेसनरी वर्क। तो ये टर्म को जब पढ़िएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो वहां पर देखिएगा कब आएगा एक टॉपिक ब्रिक मेसनरी। तो ब्रिक मेसनरी में आपको पढ़ना पड़ेगा, ब्रिक पढ़ना पड़ेगा, ब्रिक का कैसे किया जाता है, तो उसका वर्क तो वहां पे वो पढ़िएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये टर्म को यूज किए हैं, तो हम यहाँ बता रहे हैं। तो देखिए सीएम क्या होता है, सीमेंट मोटर क्या होता है, देखिए सीमेंट बालू और वाटर को जब मिक्सिंग करते हैं, जो कि आपका एक मसाला बनता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंट मोटर। तो देखिए आपका ये तो आम जैसे घर द्वार का भाषा हो गया, जैसे कि गांव सब में जब बोलते हैं, जब मिस्त्री आते हैं तो बोलते हैं मसाला दीजिए, तो वहां पर हम लोग इस टर्म को यूज करते हैं। लेकिन हम लोग टेक्निकल में हम लोग इंजीनियर हैं, तो हम लोग क्या बोले उसको, सीमेंट मोटर। तो जी सीमेंट मोटर नहीं बोलेगा तो डायरेक्ट उसको मोटर भी बोल सकते हैं, समझ गए। अब चलते हैं FSI पे, देखिए फ्लोर स्पेस इंडेक्स। फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो है कि हम यहाँ तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखिए इसको टर्म में इसका कोई भी एरिया, जैसे घर का होता है ना, तो घर का दीवार जो होता है ना, जैसे कि इनर टू इनर पार्ट, जैसे कि आप देख लीजिए ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये डिस्टेंस को जो है, ये एरिया को जो हम लोग क्या बोलते हैं, ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो ये जो है आपका, देखिए ये तो हो गया अंदर, जैसे ये वॉल है और ये वॉल है, यहां से लेकर के यहां तक का हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। और फ्लोर एरिया रेशियो जो होता है, ये देखिए इनर टू इनर स्पेस जो जितना होता है उसको क्या होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो ये हम लोग जान गए। और देखिए जीटी क्या होता है, गली ट्रैप क्या होता है, जब देखिए कोई भी गली में जा रहे हैं, डायरेक्ट आ गया एक ट्रैप, मतलब मोड़ आ गया, तो उसको हम लोग किस लोग को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जीटी से उसको डिनोट कर देंगे वहां पे, जैसे आ गया, देखिए ये हो गया और डायरेक्ट यहाँ पे आपका मोड़ आ गया। तो यहाँ जैसे मोड़ आ गया, तो हम लोग जैसे कि हम ये लाइन दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे जीटी है, मतलब गली है, समझ गए। जैसे आप अचार बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे जीटी, मतलब गली ट्रैप है, समझ गए। तो इस तरह हम लोग डिनोट कर देंगे जीटी से। अब चलते हैं, देखिए जीआर ग्राउंड लेवल, जैसे ग्राउंड लेवल क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका पिक्चर में आपको देखकर बता सकते हैं, जैसे कि ये आपका क्या है, फाउंडेशन है। तो देखिए आपका ये क्या है, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो देखिए ये आपका जो है यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल तो इस तरह हम लोग सिंबल में पढ़ लिए, कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह हम लोग ग्राउंड लेवल पर डिनोट करते हैं। ये आपका जमीन हो गया, अब जमीन से ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, कुर्सी डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ लेवल। इसको यहाँ से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लिंथ लेवल, क्या बोलते हैं, पीएल से। इसको यहाँ पे डिनोट कर देंगे पीएल से, और ये जो यहाँ होता है ये इसको क्या बोलेंगे, प्लिंथ हाइट, समझ गए, प्लिंथ हाइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे इसको डिनोट करना पड़ेगा तो यहाँ दे देंगे DPC, डैम प्रूफ कोर्स, इस तरह हम डिनोट कर देंगे। और देखिए प्लिंथ लेवल है, तो जैसे यहाँ देखिए प्लिंथ लेवल यहाँ पे है, तो आपको देखिए यहाँ पे जो कि कुर्सी लेवल है जिसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल, तो यहाँ PL डिनोट कर दिए। इसी तरह डोर है, डोर को डिनोट कर देंगे, जैसे ये ऊपर ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे, जैसे बगल में डोर देंगे इस जगह, तो डोर को हम लोग इसको डिनोट कर देंगे, यहाँ पे क्या है आपका डोर है, तो इस तरह हम लोग डोर को डिनोट कर देंगे। वेंटिलेशन है, डी से क्या आपका डोर है, बी से वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन जब हम अभी तुरंत बनाएंगे, देखिए अभी जब इसका पिक्चर, तो उसमें हम लोग अच्छी तरह से बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, आपको देखिए आपका सेक्शन ऑफ बिल्डिंग पर हम लोग बात करते हैं, कि आप कोई भी सेक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग इसका हेडिंग दे दिए, सेक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सेक्शन ऑफ बिल्डिंग पे चलते हैं। सेक्शन ऑफ बिल्डिंग को, कोई भी सेक्शन को देखिए आप कैसे डिनोट कर सकते,
सकते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे अभी। तो देखिए आपका सेक्शन है, तो देखिए आप बिल्डिंग, ये देखिए आप कोई भी बिल्डिंग का या फ्रंट पार्ट है, तो देखिए आप फ्रंट पार्ट को जब हम कोई भी चीज को काटते हैं, काटने के बाद जो हम लोग का काट करके हटा देते हैं, हटाने के बाद जो आपका वॉल सब जो दिखेगा, तो वॉल जब कोई भी दीवार जो है काटने के बाद कैसा दिखेगा, उसमें ब्रिक दिखेगा, तो ब्रिक का आपको सिंबल कैसा बताए थे, इस तरह आप लोग का सिंबल रहता है। जब कंक्रीट को जब काटते हैं, कंक्रीट का जब छत को जब काटिएगा, तो उसका सिंबल कंक्रीट का कैसा आएगा, इस तरह आएगा, देख लीजिए कंक्रीटिंग का। ये आपका क्या है, छत है, स्लैब, देखिए स्लैब है, छत को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैब। और बीम देखिए आपका छत के नीचे जस्ट आपका क्या रहता है, बीम रहता है, तो देखिए ये आपका बीम है, तो बीम का सिंबल देखिए, बीम तो कंक्रीट का ही नाम रहता है, तो आप देखिए कंक्रीट को यहाँ दिखाए हैं, देख लीजिए। और उसी तरह देखिए आपका लिंटल जो है, लिंटल जब काटिएगा तो कैसा, लिंटल क्या चीज़ का रहता है, कंक्रीट का रहता है, तो वो भी किस तरह दिखेगा, तो कंक्रीट की तरह दिखेगा, तो जब काटिएगा उसको, जब सेक्शन तो लिंटल को, तो इस तरह कटेगा, उसके कटने के बाद आपका देखिए जो दिखाएंगे उसको लिंटल को, इस तरह हम लोग दिखा देंगे। तो ये तो हम लोग बता दिए कि सेक्शन काटने के बाद जो है कोई भी बिल्डिंग को किस तरह हम लोग दिखाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं इसका स्टेपिंग पे कि ये किस तरह बनता है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कोई भी अगर पिलर देना पड़ता है तो उसको क्या करते हैं कि वो कोई भी गड्ढा को यानी खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद क्या करते हैं उसका प्रिपेयर करते हैं यानी फाउंडेशन। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर नीचे, हम लोग गड्ढा कान दिए, देख लीजिए दो इधर दो पिलर देने वाले हैं। देखिए आपका नीचे सबसे पहले नीचे हम लोग क्या करते हैं गड्ढा में पीसीसी करते हैं कंक्रीट का, क्या करते हैं कंक्रीट का पीसीसी करने के पहले हम लोग क्या करते हैं ब्रिक का एक लेयर नीचे दे देते हैं, ब्रिक का एक लेयर दे देते हैं। लेयर देने के बाद जो है ऊपर क्या करते हैं पीसीसी कर देते हैं, देख लीजिए पीसीसी कितना का करते हैं 100 mm का करते हैं। 100 mm का करने के बाद जो है फर्स्ट स्टेप जो देते हैं हम लोग 300 mm का देते हैं, सेकंड स्टेप जो है आपका 300 mm का देंगे, फिर जो है देंगे 300 mm। तो ये जो आपका फाउंडेशन जो होता है नीचे का जनरली जो होता है वो कितना होता है 900 mm। ये आपका पीसीसी को लेकर के जो है आपका 1 meter का हो जाता है टोटल। तो अगर कोई पूछ देगा कि आपका फाउंडेशन का डेप्थ कितना होता है जनरली, तो आप कितना बोलिएगा 900 mm, ये नहीं बोल जाएगा ऐसे, अगर 1 meter भी बोल दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका फाउंडेशन का जो डेप्थ होता है वो कितना होता है 900 mm। तो आप लोग को यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी मिल जाएगा आपको, दे देगा आपका क्वेश्चन में वहाँ पे कि फाउंडेशन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना होता है, तो आप वहाँ पर ऑप्शन मार दीजिएगा आपका 900 mm। अगर 1 meter भी रहेगा, अगर 900 mm नहीं रहेगा, तो अगर 1 meter रहेगा तो आप 1 meter में भी आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं उसी तरह इधर किए हैं आप, देखिए फाउंडेशन का तो हो गया, जस्ट देखिए फाउंडेशन के जस्ट ऊपर देखिए आपका यहाँ पर देखिए आपका ग्राउंड लेवल आ गया। ग्राउंड लेवल को देखिए आप लोगों को यहाँ सिंबल देख लीजिए ग्राउंड लेवल का, ग्राउंड लेवल आ गया। उसी तरह देखिए ग्राउंड लेवल के जस्ट ऊपर में क्या देते हैं, थोड़ा सा हाइट पे जाते हैं, थोड़ा सा हाइट पे जाने के बाद जो है एक प्लिंथ लेवल आ जाता है, मेरा प्लिंथ लेवल आ गया। तो हम यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ही फ्लोर फिनिशिंग को हम लोग डिनोट नहीं किए हैं तो अच्छी तरह से, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका पार्ट, ये देखिए सॉइल फिलिंग है, ये सॉइल फिल कर दिए। उसके बाद इस पर क्या करते हैं, छोटा छोटा ईंट का टुकड़ा देते हैं, जो कि ब्रेक का छोटे छोटे टुकड़ा होता है वो दे सकते हैं, या तो स्टोन दे सकते हैं छोटा छोटे। तो ये स्टोन यहाँ पर भी देख सकते हैं छोटा छोटा, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं बिटमिनस, क्या बोलते हैं बिटमिनस। बिटमिनस के बाद जो है ऊपर में आप क्या दे सकते हैं, यहाँ इसको दे सकते हैं बिटमिनस, क्या होता है बिटमिनस दे सकते हैं। उसके बाद देखिए बिटमिनस देने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, इस पर क्या होगा कंक्रीटिंग करेंगे। कंक्रीटिंग कितना करेंगे यानी क्या 80 mm से लेकर के 100 mm तक, समझ गए
80 mm से 100 mm तक कर सकते हैं इसको कंक्रीटिंग, उसके बाद हम लोग फ्लोर फिनिशिंग कर सकते हैं, तो टाइल्स भी लगा सकते हैं और आप सीमेंट का एक लिक्विड देकर ऊपर से एक पन्ना भी मार सकते हैं, समझ सकते। तो ये हम जो किए हैं आपको, आपका यहाँ देख लीजिए, ये दिए हैं आपको टाइल्स का फिनिशिंग किए हैं। उसके बाद देखिए जस्ट आपका ये आपका फ्लोर हो गया, फ्लोर के बाद हम लोग तो डोर लगाते हैं, तो ये डोर है आपका देख लीजिए, डोर का जो ये टोटल यहाँ से यहाँ हाइट होता है ये कितना है 2000 mm, अगर जनरली इसको मीटर में लाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 meter। तो आपका लिंटल लेवल, लिंटल जो देते हैं जमीन से वो कितना देते हैं 2 meter पे जनरली देते हैं। तो ये आपका ये सब आप ये जो जितना अभी बता रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएगा आपका, अगर ये फिगर को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो आपका 2 से 3 नंबर इसमें मिल जाएगा आपका। तो देखिए आपका ये वॉल है इधर, फिर देखिए ये जो है लिंटल है, लिंटल के बाद हम लोग क्या करते हैं छज्जा देते हैं, छज्जा देते हैं, छज्जा का जो ये मोटाई जो होता है 80 से 100 mm होता है, और इसका ये यहाँ से यहाँ जो इसका चौड़ाई जो होता है ये होता है 400 mm, कितना आता है 400 mm, समझ गए। और इसका देख लीजिए इसको इसका सेक्शन का सिंबल दे दिए इधर, इसके बाद देखिए ये आपका इधर विंडो है, विंडो जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, ये विंडो है आपका देख लीजिए, ये जो ये सिंबल क्या चीज़ का है बताए थे आपको सिंबल में आपका, ये ग्लास का है, तो ये आपका जो यहाँ विंडो दे दिए हैं इसमें ग्लास का लगाए हुए हैं। और देखिए ये जो आपका फ्लोर है, फ्लोर से ये विंडो का जो बॉटम पार्ट होता है इस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं सील हाइट बोलते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सील लेवल, SL से इसको डिनोट करते हैं सील लेवल, समझ गए। यहाँ से ये जो आपका यहाँ से लेकर के जो ये देखिए ये तो आपका विंडो का हाइट हो गया, और ये जो आपका ये बॉटम पार्ट इसको क्या बोलते हैं सील लेवल। और देखिए यहाँ पर यहाँ तो हम लोग यहाँ समझ गए, यहाँ तक लिंटल तक तो हो गया आपका, लिंटल हाइट दे दिए यहाँ पर भी 2000 mm, लिंटल हाइट हो गया यहाँ से आपका फ्लोर से लेकर यहाँ तक लिंटल हाइट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ आप फिर ये बीम को बताएं आपको, अभी ये आपका हो गया फ्लोर सॉरी स्लैब, और ये देखिए ये जो होता है आपका यहाँ यहाँ ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं पारापेट वाल, ठीक है इसको क्या बोलते हैं पारापेट वाल, और ये इसको जो ऊपर में देखिए वाल को सेफ्टी करने के लिए जो हम लोग देते हैं इसको क्या बोलते हैं कोपिंग बोलते हैं। कोपिंग का देखिए साइज कितना है 50 x 50 mm, और पारापेट वाल का जो होता है उसका हाइट कितना होता है 450 mm इन से लेकर के 600 mm, समझ गए इसका कितना आता है 450 से लेकर 600 mm। और देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज और बताने जा रहे हैं आपको, देखिए आपका जब ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल से नीचे वाला पार्ट को जो हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, और ग्राउंड वाले से ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए सुपर स्ट्रक्चर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको ऑप्शन में आ जाएगा कि ग्राउंड लेवल सब स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, तो ऑप्शन लिखा रहेगा डेप्थ ऑफ यानी कि ये नीचे वाले पार्ट या ऊपर वाले पार्ट, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यानी कि नीचे वाला पार्ट को यानी कि बिलो वाला पार्ट को, तो आपको ऑप्शन को देखकर वहां पर लिख देना पड़ेगा यानी टिक मारना पड़ेगा, समझ गए। तो हम लोग यहाँ तो आज ये पिक्चर को देखकर समझ में आ गया, तो हम मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चैनल को दूसरे को भी शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड में। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट, अब थैंक यू।